करने की इजाज़त मांगने के लिए परमेश्वरी ने लिखे खत को महादेव का उत्तर आता है। मगर अभी भी परमेश्वरी पढ़ना लिखना अच्छी तरह से नहीं जानती है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो चिट्ठी पढ़वाने के लिए उसे अपने देवरों के पांव पकड़ने पड़ते हैं। हाथ में पति की चिट्ठी है, मगर वो पढ़ नहीं सकती। उसका ये दुख देखकर उसका भतीजा गोविंद और छोटा देवर मच्छिंदर उसकी मदद करते हैं। मच्छिंदर चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में महादेव ने परमेश्वरी को नौकरी करने की इजाजत दे दी है। माधव, एक किलो नमक दे दो। अरे ठहर ठहर, उस कागज में बांध के दो ना। क्यों भाभी, उस कागज को सोने की सूजी चिपक गई है क्या? अब क्या बताऊं, ऐसा ही है कुछ। और वो वाली बिंदी की शीशी दे दो। ये ले। अरे ऐसे ही ले जाओ, वो कागज में बांध के दो ना। अब ये रही प्लास्टिक की, इसे क्या कागज में बांधो, ले जाना थैली में। अच्छा तो कागज में क्या बांधोगे? मिर्च मसाला दे दूं? अरे मिर्च मसाला लेके क्या करूंगी, साल भर का पीस के रखा है घर में। और कुछ दे सकते हो? तो चना दाल दे दूं? वाह भाई, वो तो अपने खुद के खेत की है। कागज में देती तो मैं सरसों का तेल भी ले जाती। क्या मतलब भाभी, तुम किराना लेने आई हो या कागज खरीदने? बच्ची के लिए रेवड़ी दे दूं? हाँ दे दो, बस 100 ग्राम काफी है। वहाँ जो कागज का टुकड़ा पड़ा है ना, उसके लिए क्या लेना होगा? भाभी गाँव में तो अखबार पढ़ने वाले दो ही लोग है, एक अपने मास्टर जी और दूसरे पाटिल जी। मुझे भी रद्दी खरीदनी पड़ती है, नहीं तो मैं दे देता मुफ्त में। तो दे दो और 1 किलो नमक, बड़े से बड़े कागज में बांध के देना। ये क्या, इसमें भी नमक? अरे मैंने तो तुझे इतना सा नमक लाने को कहा था। हे भगवान, अरे 3 पुड़िया और तीनों में नमक? अरे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है बहू? पता नहीं कहाँ रहती है तू और तेरा दिमाग भी कहाँ रहता है। अरे देख के
इतना नमक खिला खिला के किसको नमक हलाल बनाने जा रही हो? मेरा वो ऊपर वाला कागज कहाँ गया? गोविंद, तूने तो नहीं लिया? मुझे नहीं मालूम। तूने कल नाव नहीं बनाई थी उसकी? मुझे क्या पता चाची का? तूने बहुत धीरे हो। अरे 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 मत पीटो उसे। मैंने बताया था। मुझे क्या मालूम? नहीं 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 इतना अच्छा कागज है, मैंने कितनी बार पढ़ा है। बंब नुकसान आग। नानी बहू, क्या हो रहा है वहाँ? क्यों शोर मचा रखा है? परमेश्वरी, ओ परमेश्वरी, जरा इधर तो आ। तीन हाँ? बुआ, तीन अलग अलग पुड़ियों में नमक। परमेश्वरी, तीन किलो नमक। एक पते की बात बताती हूँ, अनाड़ी रहना औरत के लिए फायदेमंद होता है। वो कैसे? कैसे? हम सब जय किशन की शादी में गए थे नंदीपुर। तेरा महादेव इतना सा था इसलिए सास नहीं आई थी तेरी। पता है क्या हुआ? हम थे लड़के वाले, तो लड़की वालों ने सारे मर्दों को एक एक फेटा और चांदी का तावीज दे दिया, और औरतों को इतनी इतनी सी चूड़िया। हम सब बोली साड़ी ना सही, चांदी की पायल तो दे देती एक एक को। मर्द लोग बोले हम बाराती बन के आए हैं, लेन देन के मामले में मुंह लटका के वापस नहीं जाएंगे। डांट के हम सबको चुप करा दिया। फिर वापस आते समय बस अड्डे पर हम पिसाब करने उतर गए। वापस आ गए तो क्या देखा? अरे दया, सब बस एक जैसी। एक बस निकल रही थी तो जल्दी जल्दी हम सब उसी में घुस गई। उन दिनों मैं भी तो जवान थी, मैंने भी घूंघट ओढ़ा था। बाजू वाला मर्द अपना है या किसी दूसरी का, क्या पता? पता नहीं कौन बैठा था बाजू में। बेशरम बोला, अरे बीड़ी निकाल। हाँ, मैं तो इस कदर चिल्लाई जैसे पाँव तले चूहा आया हो। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और सब जाने को नीचे उतार दिया। हम बोली अब तो हम मर गए। थोड़ी देर में क्या देखा मालूम है? हमारे मर्द भागते भागते आ रहे थे, हाँपते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? रूठो मत, चाहे तो हम अपनी तरफ से एक एक गहना बनवा देंगे। हम एक दूसरे की तरफ देखती रही, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। अब तू ही बता, हम पढ़ी लिखी होती तो अपनी वाली बस में चढ़ जाती, ऐसी गलती थोड़े ही करती। और गलती ना करती तो गहना थोड़े ही मिलता। मैंने ऐसी गलती करूंगी? बुआ जी, आपने वो मुरारीपुर की कौशल की बात नहीं सुनी? कौन कौशल्या? मुरारीपुर के बाबू मिस्त्री की लड़की कौशल्या। वो तो पहली बार अपने पति के साथ मैके से लौट रही थी, बस में ऐसे ही पेशाब करने उतर गई। वापस आई तो दूसरी बस में चढ़ गई, पढ़ नहीं सकती थी ना। दो दिन के बाद दरोगा उसे ढूंढ के ले आए वापस, लेकिन उसके मर्द ने उसे घर में लेने से साफ इनकार कर दिया। उधर माँ बाप बोले एक बार लड़की को डोली में बिठा दिया तो वो पराई हो गई, अब उसे घर में वापस कैसे ले लें? बेचारी ने खुदकुशी कर ली। हे भगवान, अनपढ़ होने के कारण बेचारी मर गई। उसके मर्द के भाग में दूसरी बीवी लिखी होगी। हाँ बुआ जी, ये भी सच है, भगवान का लिखा तो कोई नहीं पढ़ सकता। आजकल तो बहुओं के मुंह लगना ही मुश्किल हो गया है। चिट्ठी आई है। अच्छा, अरे डेढ़ महीने में दूसरी चिट्ठी है ये। वो वहाँ कुछ काम धाम करता है, यही की सोचता रहता है। अच्छा पढ़ तो क्या कहता है।
लिखते हैं प्रोफेसरी के लिए कथरी सिलवाओ। अगले महीने 4 दिन की छुट्टियां है कॉलेज में, तब आएंगे और खुद ले जाएंगे। अच्छा, वो खुद आ रहे हैं यहाँ? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, 6 महीने हुए उसे गए हुए। अब अपना बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप को तो बच्चा ही लगता है ना। मैं तो दिन रात सोचती रहती हूँ कि कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा। खैर अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू भी तो दिन रात यही सोचती होगी ना। देख, तेरी कतरी सबसे अलग होनी चाहिए, सबसे सुंदर, प्रोफेसरी को देनी है। हाँ, महाकाली की बड़ी यात्रा है, तब आएंगे। भाभी, मैं तो थक गई, एक भी घर नहीं बचा जहाँ से कतरी लाके मैंने तुम्हें नहीं दिखाई। एक भी सिलाई तुझे पसंद नहीं आई? कितने अच्छे नमूने थे। हाँ, कई नमूने तो अच्छे थे, पर मेरी कतरी सबसे अलग होगी, प्रोफेसरी कमल सिन्हा के लिए बनाई गई कतरी। क ल म। ये क्या बोल रही है तू? मेरी कतरी देखती ही रह जाओगी। कौन? मैं? तू भी और प्रोफेसरी भी। और जेठ जी? चल। Thank you.
बता तेरे लिए क्या लाऊं मैं शहर से। किताब? मुझे लगा साड़ी गहने कुछ तो मांगोगी, मगर तू तो मांग रही है किताब। पढ़ना लिखना मेरा खजाना? अच्छा, तो तू भी अब ज्ञान को अपना खजाना मानने लगी? प्रोफेश्वरी जी भी यही कहती है, कहती है पढ़ लिख कर अगर ज्ञान बढ़ाओ तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई का सामना करना आसान होता है। आदमी खुद को वही कहलाए जो भी ज्ञान की ज्योत जलाए। ज्ञान का फल? मीठा। मीठा। दीदी कैसी ठट्टेबाजी चल रही है तेरी? कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, मुझसे छुपाने की भी जरूरत नहीं, मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ तेरी ये सलेट। सच नानी बहू, पढ़ने में बड़ा मजा है, तू भी सीख ले ना, पूरी दुनिया खुल जाती है सामने। मैं सचमुच नहीं जानता था तू कितनी होशियार है, इतने थोड़े दिनों में पढ़ना लिखना सीख गई। महादेव, अरे तू तो शहर वाली हो गई, अपने आदमी का नाम लिया तूने। मुंह से थोड़े ही निकाला, लिख देने से नाम लिया ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बता कैसी है तू? खश? ये खश क्या है भाई? ठहरो ठहरो। अच्छा खुश? हाँ, मुझे तो बड़ी याद आती है तेरी शहर में, क्या तुझे भी मेरी याद आती है? दिन रात, ये तेरी मूक बोली अच्छी है। याद है जब नई नई शादी हुई थी हमारी, तो रात में बातें करने की चोरी थी, तब माई बाहर से पूछती थी, अरे अभी तक सोए नहीं? अरे दीदी कब सिले तूने ये कथरी? कितनी सुंदर, सबसे अलग सचमुच भाभी। अरे बहू, ये कथरी तूने बनाई है महादेव के लिए? अरे
मैंने ऐसी अजीब कढ़ाई पहले कभी नहीं देखी। क्या लिखा है उस पे? हाँ, ये है प्रोफेसरी का नाम, का म ल, और उसका काम है पढ़ाना, तो ये है क ल म, और उसे अपने काम से है ल ग न, और वो रहती है अपने काम में म ग न। ये क्या है? ब ल। और ये क्या है? ग ज। मतलब क्या है? वो ऐसे ही। अच्छा लिखा है। चाची, चाचा की चिट्ठी आई है, लिखता है मैं अभी नहीं आ सकता। देखो तो क्या लिखा है बहू? आ उ गा नही ना रा ज मा त हो ना। खुशियाँ लाए उनकी चिट्ठी, दुख भी बतावे उनकी चिट्ठी, सपने मेरे हो गए चूर, सिमट गई थी मैं मजबूर। सबसे न्यारी मेरी कतरी, ना मुरझाए मेरी कतरी, ऐसी कतरी करती जाऊं, अक्षर अक्षर बढ़ती जाऊं, बिना रुके मैं चलती जाऊं। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर।